मलवा की पुलिस द्वारा दो निर्दोषों की थर्ड डिग्री की पिटाई का प्रकरण सूबे के मुख्यमंत्री सहित आला अफसरों तक पहुंचा। हरदोई जून कोतवाली मलवा में जंगल राज की एक नई दास्तान और सामने आ गई है। शाहजहांपुर गंगा निवासी अनुज कुमार अग्निहोत्री एवं राघवेंद्र अग्निहोत्री ने हमारे को रोते हुए बताया कि 3 जून को शाम 5 बजे अनुज पाल अशोक कुमार यादव नाम के दो सिपाही 112 नंबर गाड़ी से पकड़कर थाने ले गए। रात में लगभग 12:30 बजे दीवान मुकुल चौधरी ने हम दोनों को नंगा करके बुरी तरीके से डंडों और चमड़े के पट्टे से बुरी तरीके से पीछे के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से पीटा, जिससे हम लोग जान बचाने की दुहाई करते रहे, परंतु मुकुल चौधरी हम लोगों पर बुरी तरीके से डंडा बरसाता रहा। रात को कोतवाली प्रांगण में ही रात को लगभग 1:30 बजे आदित्य प्रताप सिंह नाम का एक दरोगा सादी वर्दी में आया। उसने भी हम दोनों को बहुत बुरी तरीके से इतना पीटा कि हमारे पीछे के प्राइवेट पार्ट पर जहां काले निशान बन गए हैं वहीं पर छाले पड़ गए हैं। अनुज कुमार अग्निहोत्री ने बताया, मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मेरी पत्नी का विवाह चल रहा है। मेरी पत्नी ने कई बार पुलिस से शिकायत करके मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसी के चलते मुझे बगैर सुने इतनी निर्दयता से पीटा गया है। हमारे दोनों लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए बताया, इस तरीके से हम दोनों को पीटा गया है जैसे कोई हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मजेदार बात यह है, जब जिले में आईजी लक्ष्मी सिंह कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के साथ साथ निर्दोषों को न्याय दिलाने का निर्देश दे रहे थे, ऐसे समय में मल्लवा की खाकी वर्दी के लोग अत्याचार और जुल्म की सीमाएं पार करते हुए मानव अधिकार आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए थर्ड डिग्री अपनाकर लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसका प्रकरण अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से लेकर आला अफसरों तक पहुंच गया है। अब देखना यह है, उत्तर प्रदेश सरकार यह खाकी वर्दी को बदनाम करने वाले लोगों के ऊपर जिन्होंने मानव अधिकार आयोग की धज्जियां उड़ा दी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। जी इंडिया 81 लाइव के लिए संकेत अस्ताना की रिपोर्ट। तुम्हारा पत्नी झगड़ा था क्या? पत्नी क्या, हमारी पत्नी सही नहीं, वो चरित्र पूरे गांव में घूमती रहती है, इधर उधर गाली गलौज करती है। 112 पे जब आज 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से हमें परेशान किया जा रहा है। डेली पुलिस हमारे घर आती है, 19 पुलिस वाले हमारे घर आ चुके हैं, उनके एक एक के सबके नाम और सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ रखा है। क्या कहती है पुलिस तुमसे? पुलिस आती है, पुलिस हमसे तो जब तक बोली नहीं, मैं 5-6 दिन तो था ही नहीं यहाँ। पुलिस यहाँ आके कुछ नहीं कहती, बस थाने जाओ, 112 वाले आते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज भी, पैसे भी लेते हैं। नहीं, पैसे तो खैर कोई भी ऐसी बात नहीं आई है, तो परेशान बहुत है। कल तुमको किस कौन पकड़ ले गया था यहाँ से? हमें यहाँ से ले गए थे, 4 नंबर की गाड़ी आई थी, 112 की, अनुज कुमार और अनुज कुमार। फिर क्या हुआ? उन्होंने ले जाके मैं थाने छोड़ दिया था बस। फिर मारा कौन? मारा था, रात में मारा गया 11:30 बजे, मुकुल चौधरी ने मारा है पहले डंडों से। हम लोग लेट गए थे, बैठे बैठे थक गए। मुकुल चौधरी क्या है? दीवान है, वहाँ लिखा पड़ी थी। अच्छा, और दरोगा कौन जिसने मारा? दरोगा ने मारा है। क्या नाम दरोगा का? आदित्य प्रकाश सिंह। होमगार्ड प्रताप सिंह। किसके कहने से मारा? वो मारा है हमारे गांव के होमगार्ड है शिवशंकर मिश्रा, उनके कहने से। उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया कि लोगों को बीच में लगा दिया। तो आप कुछ कार्रवाई करोगे? कार्रवाई सर बिल्कुल करना चाहता हूँ, हमें पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये औरत के कहने पर वहाँ आपने आपने पुलिस एसपी बताया? किसको? पुलिस अधीक्षक को बताई? नहीं, पुलिस अधीक्षक को नहीं। तो कार्रवाई आगे करोगे? हाँ।